तो आज हम लोग आपको घुमाने लेके आए हैं लखनऊ रेजिडेंसी। वो उसका गेट था, मेन वाला गेट उधर था, और यहाँ पे इसका है सिंपल वाला गेट। हाँ, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है साथ साथ में ना, मतलब अभी बड़ी शांति है क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं है, सिर्फ निहारिका और मैं हैं, दो लोग वो लोग चले गए। और इसका जो ऑनलाइन टिकट था वो था कितना रुपये, 20 रुपये था, और अगर ऑफलाइन लेना तो 25-25 रुपये। तो अपना 20 रुपये दो, ऑनलाइन पेटीएम से पेमेंट करो और इसके अंदर घूमो। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है लखनऊ रेजिडेंसी की। आदि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो हम लोग आपको आज लेके आए हुए हैं लखनऊ रेजिडेंसी घुमाने के लिए। तो लखनऊ रेजिडेंसी हमने ऐसा कभी देखी नहीं थी, नाम सुना था, लेकिन निहारिका में घूमने थे। लखनऊ के बाकी प्लेस तो मैंने आपको घुमा दिए हैं, एक एक्स्ट्रा ब्लॉग भी बना रखा है पूरे लखनऊ के प्लेस घूमने के लिए। तो आज लखनऊ रेजिडेंसी दिखा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है, अंदर क्या क्या है पूरा आज। यहाँ पे रेजिडेंसी के बीच में है एक मजार, साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है बेगम कोठी, यानी बेगम की कोठी। यहाँ पर जो कोई बेगम रहती होंगी ना, क्योंकि लखनऊ नवाबों का शहर है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे है। थोड़ी इसकी हालत जीर्ण शीर्ण हो गई है, क्योंकि रखरखाव हुआ नहीं होगा उस हिसाब से, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। तो अभी ऐसा कुछ है, जो एक बार बेगम की कोठी के अंदर जा कर देखते हैं क्या हिसाब किताब है वहाँ पर। तो ये देखिए अंदर कुछ ऐसा है, लोगों ने दीवारों पर नाम लिखे हुए हैं दबा के, प्यार मोहब्बत की पूरी बातें। कहाँ की पहचान है वो? यूपी वाले, तुम भी यूपी वाली हो? तो यहाँ क्या है कि सब जगह दीवारों पर लिखा हुआ है नाम, किसी ने गर्लफ्रेंड का नाम लिखा था, किसी ने बॉयफ्रेंड का नाम लिखा हुआ है, हर हर दीवार पे। हाँ, तो ऐसे ही बिल्डिंगें ख़राब आती हैं, आपका नाम कोई अजर अमर नहीं जाएगा। हाँ, ऐसी कोई बिल्डिंग खड़ी कर दो अपने प्यार की याद में, जैसे ताजमहल खड़ा है, तो क्या पता लोग आपको जाने भी, ऐसे नाम लिख के कोई फायदा नहीं है। इसके अंदर है संग्रहालय, तो संग्रहालय में अंदर रखी है, ये खुलेगा आपके सुबह मॉर्निंग में 9 बजे। साथ में यहाँ पर दो तोपें रखी हुई हैं। ये तो ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा संग्रहालय के अंदर, पता नहीं क्या चीज़ है, मतलब वो बोले तो कुछ अवशेष रखे हुए हैं ऐसे मैप वगैरह इस रेजिडेंसी के, कैसा ये बना हुआ था। तो बीच में ऐसा यहाँ पर एक क्लॉक रूम भी है जहाँ अपना सामान भी रख सकते हो। ये नज़ारा कुछ ऐसा है। तुम्हें कैसा लगा है? काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन बस यह है कि बिल्डिंग अगर पहले ऐसी होती जैसा था तो काफ़ी देखने में मज़ा आता, लेकिन सिर्फ अब इससे बढ़ाया है वो संग्रहालय है जो 9 बजे खुलेगा। अभी सुबह के 7 बजे हैं, हम लोग जल्दी आ गए थे मॉर्निंग में, गर्मी का टाइम है ना, तो फिर दिन में आपको पता है लखनऊ, हाँ सफाई वगैरह है, सफाई है, गर्मी का टाइम है, तो इसलिए हम सुबह सुबह जल्दी आए, क्योंकि दिन में फिर घूमने लायक नहीं रहेगा। तो ऐसा कुछ है,
और में थोड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। एक बार इसके अंदर जाके देखते हैं। तो ये था देखिए पूरा बैंक्वेट हॉल, आप देख रहे हैं ना बैंक्वेट हॉल बहुत सारा लिखा हुआ है ऐसे, मतलब काफ़ी खूबसूरत हेरिटेज है। कैसा लगा तुम्हें यहाँ देख के? पूरा मस्त मस्त फ़ोटो खिंचवा ली तुमने आज अपनी? तो अगर निहारिका मेरी फ़ोटो देखनी है तो इंस्टाग्राम में आदि ब्लॉग्स यूट्यूब करके मेरा चैनल वो है, आईडी है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ की जो खूबसूरत फ़ोटो होंगी, हाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए काफ़ी अच्छा है, साथ में एरोप्लेन भी आ रहा है ऊपर, देखिए नीला आसमान और उसको एरोप्लेन। हाँ लखनऊ की रेसिडेंसी कैसा लगा आपको ब्लॉग? मैंने हिस्ट्री हिस्ट्री कुछ बताइए, हिस्ट्री हिस्ट्री आके आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बता दूंगा तो आप घूमने नहीं आओगे। तो ऐसा है कि आप पूछेंगे ना, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगले वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और फैला दीजिए बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माता क्या कलाम है।